shall 2 sin x minus root 3 less than equals to 0 and 2 cos x minus 1 greater than equals to 0 or tan x minus root 3 greater than equals to 0. ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज हैं, स्टूडेंट्स काफी पूछ रहे हैं, दिक्कत आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज को समझने में. तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको ये बेसिक इनइक्वलिटीज मैं कैसे सॉल्व करता हूं ये मालूम होना चाहिए. अगर ये इनइक्वलिटीज सॉल्व करना आती है आपको तो आगे की इनका जो कॉम्बिनेशन है वो भी आप कर पाएंगे. ये ट्रैक है बिल्कुल नहीं आता हो, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ आते हो तो भी आप इनइक्वलिटीज सॉल्व करना सीख सकते हैं. यहाँ से ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो भी फंक्शंस इन्वॉल्व है वो क्या है, पीरियोडिक है. साइन एक्स पीरियोडिक है, कॉस एक्स पीरियोडिक है, टेन एक्स पीरियोडिक है. साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, एंड कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, टेन एक्स का पीरियड पाई होता है. तो जब कभी भी मैं इक्वेशंस या इनइक्वलिटी सॉल्व करूंगा जिसमें पीरियोडिक फंक्शन इन्वॉल्व हो तो मैं क्या करूंगा कि पहले उसे 1 पीरियड में सॉल्व करूंगा, ओके, और अकॉर्डिंग टू पीरियड पर उसे जनरलाइज करूंगा. तो साइन एक्स का मैंने एक पीरियड में ग्राफ बना लिया है, जीरो से पाई में कैसा होता है ध्यान से देखिए, जीरो से टू पाई में इस टाइप का ग्राफ होता है. कॉस एक्स का ग्राफ बना लिया भाई, जीरो से टू पाई में कैसा होता है, इस टाइप से होता है. और टेन एक्स का ग्राफ बना लिया और उसका जीरो से एक पीरियड में सिलेक्ट कर रहा हूं, इस टाइप का होता है. आप समझ रहे, ये मेरे पास जीरो है, ये पाई है और ये टू पाई है, ये साइन एक्स है, वाई कॉस टू साइन एक्स है, ठीक है. और ये मेरे पास क्या है, वाई कॉस टू कॉस एक्स है और वाई कॉस टू कॉस एक्स है और ये जीरो है, ये पाई बाई टू है, यहाँ पे पाई कॉमा माइनस वन होगा और ये पॉइंट कितना होगा, टू पाई कॉमा वन, ये टू पाई. तो वाई कॉस टू टेन एक्स है भाई, और टेन एक्स में क्या होता है, टेन एक्स जीरो जीरो है, ये पाई बाई टू है और ये पाई. तो नाउ फोकस हियर, पहले मैं एक पीरियड में इसे सॉल्व करूंगा. तो फर्स्ट वन पर फोकस करिए, कैसे करेंगे हम उसे. उसे करने के लिए जरूरी है कि आप एक्स की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जब साइन एक्स से जो आउटपुट है वो रूट थ्री बाई टू से जो आउटपुट होगा उससे कम हो. तो मैं ये पहले पता करूं कि रूट थ्री बाई टू आउटपुट कब आ रहा है. तो मैंने वाई इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू लाइन बनाई, समझे. और यहां पर ये y cos x अगर मैं इक्वल टू करता हूं तो y cos 1 by root 2 लाइन बनाई, ये लाइन कौन सी है, y cos 1 by root 2 है. और यहां पर मैंने y cos 2 root 3 लाइन बनाई, y cos 2 root 3 लाइन बनाई. अब 1 by 1 में कर, अब ढंग से समझना. फर्स्ट वन पे अगर मैं फोकस करता हूं तो अच्छे से ध्यान से देखना कि फर्स्ट वन में क्या है कि x की ऐसी वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी है जब मेरे पास क्या आएगा, अच्छे से देखना कि जब sin x की वैल्यू रूट थ्री बाई टू से कम है. तो ये जो पॉइंट है ये पता लगाने की कोशिश की कि कब रूट थ्री बाई टू होता है. तो ये सभी को मालूम है कि sin x की वैल्यू रूट थ्री बाई टू कब होती है, पाई बाई थ्री पे होती है. ये पाई बाई थ्री है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, पाई बाई थ्री. और दूसरा जो पॉइंट है, साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है. तो जो वैल्यू पाई बाई थ्री पे आएगी वही किस पे आएगी, टू पाई बाई थ्री पे आएगी. ये पॉइंट कितना होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट टू पाई बाई थ्री, सही है. अब इसको ऑब्जर्व करना, देखो जरा ध्यान से समझो, जब एक्स जीरो से पाई बाई थ्री तक होगा, तो जो साइन एक्स से आउटपुट आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, साइन एक्स से जो आउटपुट है वो कैसा आ रहा है, वन रूट थ्री बाई टू से कम आ रहा है, सही है ना. फिर साइन एक्स से आउटपुट कैसा आ रहा है, और रूट थ्री बाई टू से ज्यादा आ रहा है. कब तक ज्यादा आया है, टू पाई बाई थ्री तक ज्यादा है. ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर ये शो किया है कि एक्स के वेरिएशन को ऐसे ये शो कर रहा हूं मैं. तो जब x का वेरिएशन, अच्छे से फोकस करना, जब मेरे पास x का वेरिएशन 0 से पाई बाई थ्री है तो जो साइन x से आउटपुट है वो रूट थ्री बाई टू से कम है, और पाई बाई थ्री पे साइन x से जो आउटपुट है वो रूट थ्री बाई टू के बराबर है, और पाई बाई थ्री से लेकर टू पाई बाई थ्री तक जो आउटपुट है वो साइन x से क्या है, ज्यादा है, ओके. तो ये मेरे पास एक बेसिक आ गया. अब नाउ फोकस करिए कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है. ये बात समझ आ गई होगी कि साइन x, साइन जीरो जीरो है, पाई बाई रूट थ्री बाई टू से कम है,
इससे और भी ये कम है, और रूट फाइव बाई थ्री पर जाके क्या रहा, फाइव बाई सिक्स पर वन बाई टू आता है, वो रूट थ्री बाई टू से कम है, लेकिन फाइव बाई थ्री पर जाके आउटपुट कितना आ रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, फाइव बाई थ्री का और रूट थ्री बाई टू। तो जीरो से लेके फाइव बाई थ्री तक साइन एक्स से जो आउटपुट है वो रूट थ्री बाई टू से कम है, एंड फाइव बाई थ्री से टू फाइव बाई थ्री तक क्या है, रूट थ्री बाई टू से ज्यादा है, फिर अगेन कम है। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है ऐसे एक्स जो जब आउटपुट क्या है पाई बाई थ्री से रूट थ्री बाई टू से कम है। तो एक पीरियड में सॉल्यूशन क्या आ गया, जीरो टू पाई बाई थ्री। अब पाई बाई थ्री पर क्लोज लगेगा या ओपन लगेगा, पाई बाई थ्री इंक्लूडेड है या नहीं, तो यहां पर देखिए कि रूट थ्री बाई टू इंक्लूड है, रूट थ्री बाई टू हो जाए वो भी फेवरेबल है, मतलब इसका मतलब पाई बाई थ्री पर क्लोज लगेगा, यूनियन ये टू पाई बाई थ्री टू टू पाई ये मेरे पास आ गया, समझ आ रही, ठीक है। ये एक पीरियड में सॉल्यूशन आया, अब फोकस करिए इसका पीरियड कितना है, 2 पाई है, तो अकॉर्डिंग टू पीरियड हम इसे जनरलाइज करेंगे, हर पीरियड में ऐसे ही सॉल्यूशन आएगा और फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, अच्छे से देखना, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2k पाई, 2k पाई पीरियड 2 पाई होता है, 2 2k पाई प्लस पाई बाई 3, सही है। यूनियन, यूनियन में इधर थोड़ा छोटा रहेगा, यूनियन इधर ही लिख देता हूं, 2k पाई प्लस 2 पाई बाई थ्री टू, 2k प्लस पाई प्लस 2 पाई, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, फिर k बिलोंग्स टू इंटीजर, बात समझ आ गई। तो क्या हुआ, पहले मैंने एक पीरियड में सॉल्व किया, फिर अकॉर्डिंग टू पीरियड उसे क्या किया, जनरलाइज किया। अब इसको थोड़ा सा मैं कम करूंगा, फास्ट जाएंगे, cos x की वैल्यू रूट थ्री बाई टू वन बाई रूट टू कब होती है, पाई बाई फोर पर होती है, इसका x कोऑर्डिनेट पाई बाई फोर है, और फिर क्या है, cos ऑफ टू पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ टू पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, इसका यूज किया। तो ध्यान से समझना कि जो वैल्यू पाई बाई फोर पे आएगी वही किस पे आएगी, सेवन पाई बाई फोर पे आएगी, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, सेवन पाई बाई फोर, यहाँ पे मैं थीटा पाई बाई फोर लिखूंगा तो सेवन पाई बाई फोर आ जाएगा। अब फोकस करिए कैसे करेंगे हम इसे, ध्यान से सुनना कैसे करेंगे, मुझे क्या चाहिए कि ऐसे एक्स की वैल्यू चाहिए जब कॉस एक्स का आउटपुट वन बाई रूट टू से ज्यादा है, वन बाई रूट या उसके बराबर भी है, तो एक पीरियड में सॉल्यूशन क्या आएगा, जीरो टू पाई बाई फोर, पाई बाई फोर यूनियन सेवन पाई बाई फोर टू टू पाई, बात समझ आ रही है, ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, फोकस करिए समझिए, ओके। अकॉर्डिंग टू पीरियड, इसका पीरियड भी कितना है, 2 पाई है, तो 2 इस तरह से मैं जैसे ये आंसर लिखा है वैसे इसका भी आंसर मैं यहां पे लिख सकता हूं और वो अपने आप करेंगे, बात समझ आ गई। 10 का मैं पूरा आंसर लिखूंगा, 10 में क्या है, 10x equals to greater than equals to root 3, तो अगेन सेम ट्रैक है, मैंने ये पता किया कि 10x की वैल्यू रूट 3 कब होती है, तो रूट थ्री होती है पाई बाई थ्री पे। अब ये देखा कि कब 10x की वैल्यू रूट थ्री से कम है, तो जीरो से लेके पाई बाई थ्री तक कम है भाई, तो उसके बाद क्या है, ज्यादा है पाई बाई टू तक, फिर दोबारा से कम हो गई है, ये 10x से जो आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, तो मुझे क्या रिक्वायर्ड था कि ऐसी वैल्यू रिक्वायर्ड थी जब 10x से आउटपुट क्या हो, ज्यादा हो, तो यहाँ पे ये जो x है यहाँ पे 10x से क्या है, ज्यादा है आउटपुट है, तो जो मेरे आंसर है एक पीरियड में आंसर क्या आएगा, एक पीरियड में आंसर आएगा पाई बाई थ्री क्लोज से लेके, इक्वलिटी भी है, इक्वलिटी नहीं होती तो ओपन लगा था पाई बाई टू ओपन, सही है। नाउ फोकस करना, 10x का जो पीरियड है वो कितना होता है, 10x का पीरियड मेरे पास पाई होता है, 10x का पीरियड कितना होता है, पाई होता है, तो ये जो सॉल्यूशन है ये इसको जब मैं जनरलाइज करूंगा तो कितना आएगा, एन पाई एड करूंगा, एन पाई प्लस पाई बाई टू टू एन पाई, पाई बाई थ्री टू एन पाई प्लस पाई बाई टू ओके, एन बिलोंग्स टू पाई, ओके। तो एक कैसे मैं सबसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करता हूं वो मैंने यहां पे बताया है, और अगर आप ये सही तरह से करते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज और इसको समझना है, मतलब नॉट इट इज सफिशियंट, इसे समझना है, एक पीरियड में विजुलाइज करना है और इसे अच्छे से सॉल्व करना है। कुछ कुछ प्रॉब्लम भी मैं दे देता हूँ जो आपको करनी चाहिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन एक्स, ये अपने आप करने की कोशिश करना, लेस देन इक्वल्स टू वन बाई टू साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन बाई रूट टू एंड
10x greater than root 3 ये अपने आप करना और cos ये प्रैक्टिस के लिए करना, cos x मेरे पास कैसा है less than 1 by root 2, तो इनको एज अ प्रैक्टिस आप लोग करना तो मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। और आई थिंक अगर ये आता है तो इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज की आपने सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज में एक स्ट्रॉन्ग पकड़ अपनी मजबूत पकड़ रख ली अगर ये आप सीख जाते हैं तो। सिंपल सी अप्रोच है, बस सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर वन पीरियड देन अकॉर्डिंग टू पीरियड जनरलाइज द सॉल्यूशन एंड एक पीरियड में भी सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम सॉल्व करते हैं। ओके तो मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ओके okay?